हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड 15। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बालूशाही मिठाई। बहुत ही इजी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई के जैसा। आप घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी देख लें। 2 कप मैदा ले रही हूँ, 2 कप मैदा ले रही हूँ। उसमें नमक ये ऐड कर रही हूँ, ये खाने वाला सोडा 1 चम्मच, ये तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ध्यान दें, इसे हल्का हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं मिक्स करना है। सिर्फ इसका सही तरीका आटा गूंधने का ही है। इसे आप ध्यान से देखें इसे, और पानी हल्का नीम गरम पानी ले रही हूँ, हल्का सुसुम है नीम गरम। इसका आटा ही गूंधने का सही तरीका होना चाहिए बालूशाही के लिए। इसे पूरी के जैसा नहीं गूंधना है, इसे हल्का हल्का हाथ से मिलाना है। इसीलिए मैं पूरे रेसिपी रख रही हूँ, आप सही से ध्यान से देखें। पूरे आटा गूंधने का प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ किस तरह से आटा गूंधाएगा। इसे पूरी की जैसा नहीं गूंधना है, सिर्फ हल्का हल्का हाथ से मिलाना है, नहीं तो एक में एक चिपक जाएगा आटा। इसे अच्छे से गूंध ले। ये थोड़ा और तेल डालकर इसे मिला लें। इसे हल्के हाथ से आटा गूंधना है, बिल्कुल हल्का हाथ से। ये आटा गूंधा चुका है, इसे मैं ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट में। और चाशनी बना ले रही हूँ, 1 कप चीनी डाल रही हूँ। इसे चीनी चलाते रहना है, नहीं तो नीचे जम जाएगा। एक छोटी 2 इलायची मैं डाल दे रही हूँ खुशबू के लिए, अच्छा टेस्ट के लिए। ये इलायची डालने से अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। इसे बॉयल होने लगा है, इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दे रही हूँ। इससे चाशनी अच्छा होता है, चिपकता ज़्यादा नहीं है। एक तार चाशनी बनाना है, बिल्कुल एक तार बनाना है जलेबी के जैसे। ये तैयार हो चुका है, आटा भी फूल चुका है अच्छे से, आटा अच्छे सॉफ्ट हो चुका है। इसे हल्का मिला ले रही हूँ इस तरह से। इसे बनाना है हल्के हाथ से, इसे दबा कर इसी तरह से पूरे आटा को बना लेना है। इस तरह से दबा कर, ज़्यादा चिकना नहीं बनाना है, फटाफटा रहने से अच्छा क्रिस्पी होगा। सिर्फ हाथ की मदद से इसे हल्का हल्का हाथ से प्रेस करें, हल्का हल्का दबा दें। इसी तरह मैंने पूरे बना ली हूँ, और ये किसी बोतल से, फ्रूटी वगैरह जूस का बोतल से इसे कट कर लें, या आपके पास कुछ भी हो उसे कट कर लें इस तरह से। गोल पूरे मैं काट ली हूँ, और तेल गरम कर लें। तेल गरम करने के बाद एकदम लो फ्लेम कर लें, इसे एकदम हल्का फ्लेम पे फ्राई करना है, तलना है, ताकि क्रिस्पी हो, अंदर से सॉफ्ट रहे ऊपर से क्रिस्पी हो। एकदम बिल्कुल लो फ्लेम करना है, और इसे धीरे धीरे प्यार से अच्छा से तलना है। इसमें टाइम जो लग रहा है फ्राई करने में ही लगेगा, तलने में, आटा गूंधने में ध्यान देना है सही तरीके से, और फ्राई करने में, दो इसका ज़्यादा जो दो चीज़ पे ध्यान देना है। मेन आटा सही तरीका से गूंधना है, और फ्राई सही तरीका से करना है। अब बिल्कुल पूरे दिखें, पूरे वीडियो देखें,
स्किप ना करें ताकि समझ में आए सही तरीके। इसे लो फ्लेम पे एकदम गोल्डन फ्राई कर लेना है। और ये हो चुका और मैं दूसरे डाल रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस में सभी को तल लेना है, एकदम लो फ्लेम पे तलना है। देखिए कितने अच्छे फटे फटे हो रहे, बिल्कुल क्रिस्पी। आप घर में हलवाई के जैसे आप बालूशाही मिठाई बना सकते हैं झटपट। एकदम खास्ता बना हुआ है। अब ये चाशनी को हल्का गर्म कर लें, ठंडा अगर हो जाए तो चाशनी में डाल के 5 मिनट इसे छोड़ें। 5 मिनट में अच्छा अब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी। ये बिल्कुल हो चुका है, ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, इसे गार्निश कर रही हूँ। इसी तरह सभी को मैं डालकर निकाल ले रही हूँ। आप जब भी बना सकते हैं, बिल्कुल बालूशाही बनाना आसान है। मेरे तरीके से बनाए तो बहुत ही टेस्टी खाने में लगेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।